हेलो जी नमस्ते। तो रील्स पर आजकल काफ़ी अलग अलग टाइप के इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और वो इफेक्ट्स है भी कमाल के, क्योंकि आप लोग अपनी वीडियोस को इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बना सकते हो ये इफेक्ट की मदद से। तो मैंने सोचा ये सारे इफेक्ट्स को मैं अपनी वीडियोस में कवर कर लेता हूँ और एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। बट एक प्रॉब्लम हो गई, जितने इफेक्ट्स मैंने लिखा था वो पूरे टोटल 15 इफेक्ट्स हो गए थे, और ये 15 इफेक्ट्स को मैं एक ही वीडियो में कवर करूँ ये मैंने सही नहीं सोचा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाती थी। इसलिए मैंने सोचा ये 15 इफेक्ट्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पार्ट 1 में 5 इफेक्ट बता दूंगा, फिर पार्ट 2 लेके आऊंगा उसमें 5 बता दूंगा, फिर पार्ट 3 लेके आऊंगा उसमें 5 बता दूंगा, तो टोटल 15 हो जाएंगे और इससे वीडियो छोटी भी रहेगी। तो आज के पार्ट 1 में मैं आप लोगों को 5 इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा बड़े बड़े क्रिएटर भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ग्रिड बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और सबसे ज्यादा लोग इस बैकग्राउंड का यूज करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर भी इस बैकग्राउंड का यूज करते हैं। तो जैसे कि ये दो बैकग्राउंड की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। ये नॉर्मल एक फोटो ही है, इसमें कोई मोशन नहीं, कुछ भी नहीं है, और ये दोनों बैकग्राउंड मैंने खुद बनाया है। और ये है आप लोगों को दूसरा मोशन बैकग्राउंड, ये भी मैंने खुद ही बनाया। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाला हूं, डिटेल्स में आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएंगी। आई बटन पे आपको मिल जाएंगी वीडियो, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, ये वीडियो जरूर देख लेना, आप लोग अपना खुद का एक मोशन बैकग्राउंड बना सकते हो। तो आपको मैं ये तीनों बैकग्राउंड आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा लेता हूं, 10 सेकंड कर लिया हूं, और इसका मैं रेशियो चेंज कर लेता हूं, मैं रील्स का कर लेता हूं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम रील्स पे ये वाला ज्यादा यूज किया जाता है, रील्स और शॉर्ट पे। तो ये हमने कर लिए। अब अगर आप लोगों को इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है तो उस पर सिंपल क्लिक करना है, आप लोगों को एडजस्ट में जाना है और इसका ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा है तो आप लोग कम ज्यादा कर सकते हो। मेरे को थोड़ा डार्क करना है ताकि अच्छा लगे, और क्योंकि हम इसमें और भी चीजें ऐड करने वाली है जिससे ये और भी बढ़िया लगेगा। और इसको अगर आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जूम वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। हमारा सेकंड जो है जिसका नाम है फ्लोटिंग इफेक्ट। तो इस टाइप का इफेक्ट भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप लोगों को आपकी एक फोटो ले लेना है, मैं ओवरली में जाता हूँ, एड ओवरली में जाता हूँ, और एक मैं फोटो ले लेता हूँ अपनी। तो जैसे कि मैंने ये फोटो है ये मैंने ले लिया, आप लोग देख सकते हो। अब मेरे को इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो सिंपल मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और कटआउट पे जाऊंगा और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा, और ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके और कुछ ऐसा नीचे में इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो सिंपल आपको बैक आना है और इफेक्ट्स पे जाना है और वीडियो इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को साइड में जाना है, सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो मैं तो यहीं पे जाऊंगा, नाइट क्लब आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा नीचे आऊंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्ले पेंडुलम इफेक्ट, इस पे आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपल क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है और ओवरले भी क्लिक कर देना है, तो ये इफेक्ट आपके ऊपर लग जाएगा, मतलब आपकी जो पीएनजी उस पर लग जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो जो मेरा सर है, जहाँ पे मेरे बाल है वो कटे हुए दिख रहे हैं जिससे अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिंपल आपको बस इफेक्ट पे क्लिक करना है और एडजस्ट पे क्लिक करना है, और आपकी इसकी इंटेंसिटी आपको कम कर लेनी है जब तक आपकी खोपड़ी दिखती नहीं है। ठीक है, अब मेरी खोपड़ी दिख रही है। अगर आप लोग इसमें कुछ और भी एडजस्टमेंट करना है तो आप लोग इसको कर सकते हो, तो थोड़ा मैं कर रहा हूँ, और इसकी स्पीड में थोड़ी सी बढ़ा लूंगा और शार्प जो है मैं इसको थोड़ा 40% रहने दूंगा बस, और ये आपका फ्लोटिंग इफेक्ट तैयार है। ठीक है, तो इसकी मैं ड्यूरेशन भी बढ़ा लेता हूँ ताकि मैं एंड तक रखूँ इसको, और इफेक्ट्स को भी। तो ये देखो आपका फ्लोटिंग इफेक्ट तैयार हो चुका है। अब ये देखो डायरेक्टली ये है तो इस पर उतना खास नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें एक एनिमेशन देना चाहूँगा। तो थोड़ा आगे गया, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, की लगाया, पीछे आया और इसको मैंने जूम आउट किया और नीचे लेके आया, और ये कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें मैं ग्राफ लगा देता हूँ जिससे स्मूथ हो जाए, और ठीक है जी, अब देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना। हाँ, अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो ये हमारा सेकेंड फ्लोटिंग इफेक्ट फाइनली पूरा तैयार हो चुका है। तो अब हमारे तीसरे इफेक्ट का नाम है, जिसका नाम है पेपर एनिमेशन इफेक्ट। तो इस टाइप का इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब ये अल्फाबेट जो आप लोग को मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लेना है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोग को पड़ने वाली है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं ओवरली पे जाऊँगा, एड ओवरली पे जाऊँगा, और ये देखो कुछ ऐसे आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोगों को ये सारे के सारे डाउनलोड कर लेना है। इतने ही नहीं, बहुत सारे देने वाला हूँ, ये तो मैंने सिर्फ सिलेक्ट करके रखा हूँ क्योंकि ढूंढने में दिक्कत ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये मैंने पूरे ले लिए ग्रीन स्क्रीन वाले, और इस सबका मैं ग्रीन स्क्रीन पहले रिमूव करूंगा। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और साइड में जाऊंगा, कटआउट पे जाऊंगा और क्रोमा पे जाऊंगा, और इसको मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लूंगा और इंटेंसिटी बढ़ा लूंगा। ठीक है, और ये हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया है। तो सबके साथ मुझे सेम ऐसे ही करना है, ग्रीन कलर लिया, इंटेंसिटी गया और बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, तो ये हमने कर लिए सबके बैकग्राउंड रिमूव। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपकट। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा ताकि मेरा सारे नाम यहाँ पे आ जाए।
देखो मैंने ये सारे नाम बराबर एडजस्ट कर लिए। अब आपको एक और काम करना है, बस इनको थोड़ा सा आगे पीछे करना है, ज्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का आगे पीछे करना है बस। तो हमारा ये फाइनल पेपर एनिमेशन इफेक्ट लग चुका है और कि कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो कुछ ऐसे आप लोगों को अपनी वीडियोस में लगाना है। तो अब हमारे फोर्थ इफेक्ट का नाम है, जिसका नाम है मनी एक्सप्लोजन इफेक्ट या मनी ब्लास्ट इफेक्ट बोल सकते हो आप लोग। तो आप लोगों ने काफी लोगों की वीडियोस में देखा होगा, उनके पीछे से एक मनी जो बहुत सारे पैसे है वो ब्लास्ट होते, एक्सप्लोजन जैसे होते और एकदम से आते बहुत सारे। तो ये इफेक्ट कैसे लगा सकते हो चलो बताता हूं। तो आप लोगों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप लोगों को वो वीडियो डाउनलोड कर लेना है। तो ओवरली में जाऊंगा, एड ओवरली में जाऊंगा, तो ये वीडियो रहेंगी। तो जैसे कि ये रही वीडियो, ये देखो ये एक्सप्लोर होके आता है, ये पूरा एक्सप्लोजन जैसी। तो इसको हम लोग पूरा फिट टू स्क्रीन कर लेंगे। अब आप लोगों को जाना है ब्लेंड में, ब्लेंड में जाने के बाद आप लोगों को फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाने के बाद आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है। अब देखो ये जो एक्सप्लोजन जो आएगा ना, ये मुंह पे आएगा एकदम से, ये है ना, तो ये मुंह पे आ रहा है एकदम से। तो आप लोगों को क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और लेयर पे जाना है और इसको आप लोगों को सामने लेके आना है। तो आप लोगों को ये पूरा एक नंबर पे ऐसे लेके आ जाना है पूरा सामने, ठीक है। तो ये पीछे से एक्सप्लोर होके आएगा, तो पीछे से ये पूरा ब्लास्ट होगा। अब आप लोगों ने बहुत से लोगों की वीडियोस में देखा होगा ग्रीन कलर के वो दिखते हैं ना, मनी जो है ग्रीन कलर के दिखते हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। सिंपल आप लोगों को बस उसी पे क्लिक करने देना है, एडजस्ट में जाना है आप लोगों को और यहाँ पे आप लोगों को सबसे जाना है लास्ट में, और हुई जो दिख रहा है आप लोगों को इसको बढ़ाना है, यहाँ पे माइनस तरफ लेके जाना है, माइनस 50 कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को ग्राफ में जाना है और ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है और इसको कुछ ऐसा आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये अभी ग्रीन कलर का पैसा देखेंगे कि मैक्सिमम मैंने भी देखा है कि ग्रीन कलर के दिखाते हैं। तो चलो अब देखते हैं ये हमारे इफेक्ट कैसा लग रहा है। ये हमारा मनी ब्लास्ट इफेक्ट जो कि काफी बढ़िया लग रहा है भाई। इसको आप लोग फास्ट भी कर सकते हो, अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट कर लेते। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा बेस पे और 1.5x पे जाता हूँ और अब देखते हैं। ये रहा मनी ब्लास्ट इफेक्ट, काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। हमने स्पीड बढ़ा ली है तो और ज्यादा बेस्ट लग रहा है। अब हमारा है लास्ट और आखिरी इफेक्ट जिसका नाम है साउंड इफेक्ट। अब भाई ये सब हम लोगों ने ऐड किए हैं, जिसमें है आप लोगों को पेपर एनिमेशन, ये ब्लास्ट मनी वाला इफेक्ट, ये फ्लोटिंग इफेक्ट आया एनिमेशन के साथ। तो ये नॉर्मल तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसमें हमें साउंड इफेक्ट तो डालना ही पड़ेगा। तो चलो अब साउंड इफेक्ट भी डाल लेते हैं। तो आप लोगों को मैं साउंड इफेक्ट भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये सारे साउंड इफेक्ट आप लोग डाउनलोड कर लेना। अभी इसमें मैं जो यूज करूंगा ये तो मैं दूंगा ही, और भी एक्स्ट्रा के साउंड इफेक्ट आपको मैं दे दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो यार। तो बैक आ जाते हैं, अब हम लोग जाते हैं ऑडियो में, और सबसे पहले तो हम लोग ये जो एनिमेशन के साथ है इस पे हम लगाएंगे एक इफेक्ट। तो ऑडियो पे जाएंगे और साउंड पे जाएंगे और हमें फ्रॉम डिवाइस में जाऊंगा और मेरा साउंड इफेक्ट ढूंढ लूंगा, ठीक है। तो ये मैंने लगा लिया, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगा इसको। तो ये हमने साउंड इफेक्ट एक लगा लिया। अब यहाँ पे देखो ये पेपर में जो आ रहे, तो हमें इसमें पेपर साउंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो साउंड पे जाते हैं और पेपर साउंड इफेक्ट ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है पेपर साउंड इफेक्ट, और अब देखते हैं पेपर हमारे कहाँ से। तो ये हमने लगा दिया पेपर वाला, अब ये है मनी ब्लास्ट वाला, तो इस पे भी हमें लगाना पड़ेगा एक मनी वाला साउंड। तो सिंपल साउंड पे जाएंगे, तो ये हमें मिल चुका है कैश वाला साउंड, जहाँ से ये ब्लास्ट होगा तभी हमें लगाना है ये इफेक्ट। ये हमने लगा दिए है, अब प्ले करके देखते हैं। बढ़िया, ये मैंने पांचों इफेक्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब सिंपल बस इस वीडियो को मैं सेव कर लूंगा 1080p और 60fps हाई बिटरेट में और एक्सपोर्ट, सिंपल। तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो शूट करके रखा है, बस एडिट करना है और अपलोड करना है। और इस वीडियो में जो भी हमने मटेरियल यूज किए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लेना, जो घंटी है उसको भी दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ट्यूटोरियल्स लाने की। तो लेके आते हैं न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।